मैडम, मरियम नवाज ब्रेक पे जाने से पहले इस खुशखबरी के लिए, एक तो वो है जो चल रही है, एक हम आपको खसूसी सुनाते हैं, जरा पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है। उन्होंने जिक्र किया जो 20,000 वाले हैं, जब उनको 2,000 वालों के वोट 20,000 करते हैं तो फिर इसी तरह की कानून साजी करते हैं, क्या कह रही है सुने? आप लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जब लेजिस्लेटर्स ही किसी की भीख में दी हुई वोट जिसके 2,000 थे उसने हाथ जोड़े कि प्लीज मैं हार रहा हूं मेरा कुछ करे, उसके 20,000 कर दिए, कोई जीतने वाले के 40,000 वोट थे उसका 10 कैंसिल करके उसके 4,000 कर दिए, जब इस तरह से भीख में लेजिस्लेटर्स सीट्स लेकर एमएनएस की एमपीएस की आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी, वो पीएफयूजे के लिए, सहाफियों के लिए, कौम के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करेगी। इसका ये मौजूदा हालात के तनाजुर में या पिछले पिछले हालात के तनाजुर में है? क्या नहीं सर बता सकते हैं सर? सर ये आरटीएस के हवाले से है, इसकी हकीकत आप अच्छी तरह जानते हैं। सो वो बहरहाल जो करने वाले थे वो भी आपके सामने, करने वाले भी कहते हैं हमने किया, जो उसके बेनिफिशियरी मौजूदा हालात पे क्या फिट बैठती है ये तकरीर मैडम? नहीं जनाब, वो तो चले जो रोना धोना है वो चलता रहेगा। तो शर्मिंदगी तो होती है ना, ये देखिए।